नमस्कार जय जगन्नाथ मु सरिता आपन को स्वागत करू छी मो चैनल ओडिया ब्लॉग्स बाय मिकी रे। आज मु आपन को जिंस देखेबी जोटा कि बहुत दिन हेलानी वेट करू थी ता बिना त मु भाबे कि मो रोसेई कंप्लीट में मते ता बिना रोसेई करबा पई भी भल लागेनी तो सेई जिंसटा एठी अवेलेबल हुएनी तो मते बहुत दिन मु पाखा पाकी 6-7 मास वेट करथली कि के केबे इंडिया जिबो आम पई नेके आसीबो। तो मो हस्बैंड कर फ्रेंड से रहंती आउ गोटे स्टेट रे तो आमे ताकू रिक्वेस्ट करथिलु तो से नेके आसथिले आम पई से जिंसटा तो मैं देखेबी से जिंसटा कौन बिना पियाज रसुण खाऊ तो सेटा न पड़े तो तरकारी जमा भी किसी भी भल ही लगे तो मुझे देखेबी से कौन से जिनसटा आउ गोटे सीए ओडिशा जाइए सीए नहीं आसते आम कारण आम तो एवं ओडिशा जाने तो से आम सरी जाइ तो यूँ आम कही नहीं आसपाई तो सीए नहीं आसलापर आमको सी स्टेट रू आमको सी फेडेक्स कले सी आनलापर आम कोरियर करदे तो मुझे देखे से जिनसटा कौन देख देख रुचि मसला ये मसला मिले किंतु एवरेस्ट मसला ही था बिना पियाज कि आम बिना पियाज रसुण रोसे करके खाऊ तो आम ठाकुर को भोग लगा हुए जगन्नाथ को तो से आमर मसला आम अलग सब मसला तो पकई पार्बुन तो यही मसला रुचि मसलाटा बहुत भल लगे मत मत लगे कि या बिना तो मत लगे कि किसी भी टेस्ट आसेनि मो रोसईर या बिना जिते भी आप जीरा पाउडर धनिया पाउडर मुझे पकाए कि मत रुचि पाउडर न पकईले मैं जमा भी भल लगे तो से मुझे जब भी इंडिया जाऊ नहीं आसू रुचि पाउडर किंतु बेसी दिन आनी पार ना कारण तार एक्सपायरी डेट भी थाए तो जहाँ भी नहीं कि जो जो एक्सपायरी डेट मानते यूज आम भी एमती भी बहुत थर हो आनी बहुत नहीं आस एक्सपायरी डेट पड़े ताको पुणी फिंगीबा को पड़े तो से आम देखिक आणु तो जी भी जिते जाती जो भी जिते भी जाती यू जातु कि आमर किए चिन्हा पड़च जदि भी किए इंडिया जाऊँच आम रुचि मसला सर जाए तो आम कहू आम कि पछे न आण कि रुचि मसलाटा नहींक आस रुचि मसला भी जदि से बाहर को भी ये जदि रुचिर ये जो कंपनी अच्छी तो सी जब बाहर को भी एक्सपोर्ट करते यूएस को भी एक्सपोर्ट करते तो बहुत भल हाँ तो से तो एक्सपोर्ट ना यूएस को तो आमको से एमती ही आने को पड़ी क्या रिक्वेस्ट करके आणबू आम जा रुचि मसला तो से पांचटा ही नहींक आसान कारण बेसी दिन भी आर डेट भी अच्छी बहुत कम ही अच्छे 11-20 दे मानने नवेम्बर 20 रे यहाँ अच्छी तो 10 मंथ्स भितर ही यहाँ को आपन को सारिवार अच्छे तो 10 यार सब एक्सपायरी 10 मंथ्स ही थाए कि 1 ईयर एमती थाए तो से आम आणले भी पुणी फोपाड़ बेसी भी नहीं आसिले भी नष्ट हो तो से आम कही कि पांचटा आनेपाई आउ थे एवं भाभी आउ जड़े कि जबार अच्छी तो जदि आसवे तो पुणी कहबू से पुणी रुचि मसला नहींक आसवे सरी जाइए मुझे रोसे करूली मत जमा भी भल लगुन तो जाओ एवं आसीगला ए रोसे करी मते लगे माने अन्य मानक कौन लगे मुझे जानी कि मते लगे कि मुझे तरकारी रुचि मसला पकईले ही भल लगे तो से रुचि मसला नहीं आसलु कहीकि तो यार किंतु एमती देखिले रुचि मसला यहाँ गोटे पड़ुची बोधे 53 रुपीज अच्छी किंतु आमे जो कोरियर से आमको कले यहाँ तो बहुत ही अधिक अच्छी कोरियर से आमको कले $24 तो सी पाखापाखि $24 पड़ला तो यहाँ हो गला के 1700 टाँचा मो मानने कोरियर टा मानने रुचि मसलार जितकी प्राइस हेनी कोरियर चार्ज टा अधिक रहा 1700 मानने इंडियान करेन्सी $24 आमर ये यूएस डॉलर किंतु इंडियान करेन्सी यहाँ हूँ 1700 टाँचा आमको एक्सपेन्सीव हो जाए कि कौन करू आउ कि ऑप्शन ही ना कारण ये खाली एवरेस्ट रही जहाँ मिलूँ बिना पियाज रसुण कि ना खाली जीरा पाउडर धनिया पाउडर अदा रे तो इतने टेस्ट आसवन तो ये रुचि मसला सब बहुत जिनस अच्छी भी बहुत किसी अच्छी पड़ी कि ओडिशा जाई था तो आम कही था तो यू एवं भी कहीं ओडिशा भी जाऊ ना तो से अलग स्टेट रू ही जाते तो ही कही कि नहींक आसपाई लास्ट ब्लॉग रे आपको कही कि मुझे जो स्टील कुकवेयर किणी तो ताधेरे किसी रोसे करके आपन को तार रिव्यू देबी तो मुझे आज आंब खटा करुच्छी एथेरे इंडियन स्टोर रे आंब देखिली तो खटा करवा को नहीं आसली तो ये मुझे तेल पकईकी करी लिप्स आउ फुटन पकईची तो ये देखो मुझे आंबटा को भाजुच्छी एथेरे
तो टिके भी स्टिले तो जहाँ हेले भी टिके लागिबो तो टिके टिके लागुची हेले भी चलिबो। आंबो टिके भाजी सल्ला परे सेथरे पानी देकी टिके सिजिया पे ताकू 5 मिनट छाड़ देथली। तापरे सेथरे मु खजूरी पके देथली, मु एथरे गुड़ पके थली। ଏଇଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପକେଇଦେବି। ଯଦି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଖାଉଥିବେ ତ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ପକଉନି କାରଣ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ସିମ୍ବ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ତେଲ ହିଁ ମୁଁ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇବି, ସିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଲି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ହିଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଜିରା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ପକେଇଥିଲି। ଏଇ କୁକ୍ୱେର୍ର ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ରେ ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଛେ ତ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଭିଜେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଇଜିଲି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେ ମସଲା ସହିତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାଧା ସିଧା ଲଞ୍ଚ, ଖେଚେଡ଼ି, ସିମ୍ବ ତରକାରୀ, ବୁଟ ଆଳୁ କଖାରୁ ତ ଡାଲମା ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟା। ଆଶା କରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।